बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और सबसे पहले आप सबको जो है शब बरात जो है बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके सेहत में, रिज़िक में, ईमान में इजाफा करे रब्बिल आलमीन, आपको खुशियाँ और बरकतें दे रब्बिल आलमीन, और सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए अल्लाह पाक आप सबको। जो हमें देखने वाले हमारे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने से हमें देखते हैं, अल्लाह पाक उन्हें हर खुशी हर नेमत से अल्लाह ताला नवाजे रब्बिल आलमीन, और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे, परेशानियां दूर करे, और हर तकलीफ़ से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला आपको इस रात की जो है तमाम बरकतें अता करे, और आने वाले रमज़ानुल मुबारक जो है अल्लाह पाक आप सबको नसीब करे, और रमज़ानुल मुबारक की इबादतें और रोज़े, तरावियां अल्लाह ताला आप सबको जो है नसीब करे। हमारी तरफ से यही दुआएं हैं। और आज हम कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सके क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी, इसलिए जल्दी में थे, तो अभी भी जो है इशा की जो है नमाज़ पढ़ने जाना है, और बाकी नमाजें भी इंशाल्लाह वहीं पर पढ़ी जाएंगी मस्जिद में। तो आप सब के लिए दुआएं होंगी और हैं और रहेंगी जब तक ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पर फातिमा, आप क्या कहोगी अपने बहन भाइयों से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। भाइयों बहनों के सब अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला किसी को बच्चे नहीं, अल्लाह ताला बच्चे दे दे। किसी को बीमार है, अल्लाह ताला शफा दे दे। आमीन। तो हम लोगों को यही दुआ है, अल्लाह ताला ये महीना खुश हो जाए, आप लोगों को खुशी गुजरे, रमज़ान तो महीना भी नमाज रोज़ा कबूल हो जाए। किसी उम्र पर जाती है, अल्लाह ताला उसको उम्र, नमाज, रोज़ा सब कबूल हो जाए। आमीन। नमाज तरावी भी इंशाल्लाह अल्लाह उसको नसीब करे। आमीन। तो ये महीना पर बरकत वाली है, रमज़ान शरीफ आ रही है, अल्लाह ताला आप लोगों को सारे भाई बहनों को खुशी दे दे। तो हम लोग को यही दुआ है। तो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो सारा भाई बहनों को अल्लाह ताला दुआ करती हूँ इंशाल्लाह हमेशा खुश हो जाए। कोई परदेस, अल्लाह ताला उसको भी खुशी दे दे, हमेशा खुश हो जाए। किसी को माँ नहीं है, बाप नहीं है, अल्लाह ताला उसको परेशानी दूर करे, आबाद करे इंशाल्लाह। हमारा यही दुआ है। तो हमारे जो बहन भाई हैं उनसे उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जिन बहन भाइयों के औलादे नहीं हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले औलाद अता करे रब्बिल आलमीन। और जिन बहन भाइयों के माँ बाप हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती दे, ईमान, सलामती वाली ज़िंदगी दे। और जिन बहन भाइयों के औलादे हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले बनाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। जिन बहन भाइयों के जो है माँ बाप नहीं है, इस दुनिया से गुजर गए हैं, तो अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मगफरत फरमाए रब्बिल आलमीन। और तमाम इंसानियत के लिए दुआ है हमारी तरफ से, तमाम जो मुसलमान हैं उन बहन भाइयों के लिए दुआएं हैं हमारी तरफ से। अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान, सलामती वाली ज़िंदगी दे, और हर खुशी हर नेमत से नवाजे। और जैसे इस साल जो बहनों के रिश्ते हो गए, अल्लाह पाक उनको जो है अपने घरों में खुशियाँ अता करे, और जिनके नहीं हो पाए किसी वजह से भी, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे रब्बिल आलमीन। और जो है अल्लाह पाक उनके भी तमाम खुशियों और नेमतों से नवाजे। और जिन बहन भाइयों की जो है जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुखें हैं, अल्लाह ताला उन सबको दूर करे और उनके लिए आसानियां करे। और जिन बहन भाइयों के रोज़ी नहीं है, रिज़िक नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें हलाल और कुशादा रिज़िक दे। और जिनके रोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनमें बरकत और तरक्की और वसअतें रब्बिल आलमीन अता करे रब्बिल आलमीन। आप सबको बहुत सारी दुआएं हमारे आपके लिए हैं, और आप भी अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा आज की रात। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे, और जब तक के लिए हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हम आपको इंशाल्लाह अपने दुआओं में अपने बहन भाइयों को याद रखते हैं क्योंकि आप हमारे फैमिली की तरह हैं या हमारे अपने हैं। और आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, और आज की रात हमें भी अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा।
हम यहाँ पर इजाजत चाहेंगे इसी उम्मीद पर के जिंदगी रही के तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।